तो दोस्तों बैठे बिठाए अगर आपको कुछ भी ना करना पड़े, कोई भी पढ़ाई ना करना पड़े और आप बन जाओगे आईपीएस, तो ये हर किसी के लिए ये सॉफ्ट वाली खबर होती है। और माँ बाप के लिए तो बहुत ज्यादा खुशी की खबर होती है कि मेरा बेटा बिना पढ़ाई लिखाई किए ही आईपीएस बन गया। तो यही जो है एक स्टोरी है वो आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति गुप्ता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ बिहार के जमुई की स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, बिहार के जमुई का एक 19 साल का लड़का जो है बैठे बिठाए बिना पढ़ाई किए केवल 2 लाख रुपए देकर जो है वो आईपीएस बन जाता है। और वो कैसे बन जाता है, क्या हुआ उसके साथ, कैसे बन गया वो आईपीएस अधिकारी, चलिए बताते हैं। वीडियो पर बने रहिए और साथ ही साथ मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा इसी तरीके की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। बिहार के जमुई का एक 19 साल का लड़का जो है बैठे बिठाए बिना पढ़ाई किए जो है वो आईपीएस बन जाता है। ये कहानी है बिहार की, जहाँ पर जो ये लड़का है 19 साल का, उसका नाम है मिथिलेश कुमार, जो कि एक ठगी का शिकार हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये ठगी का शिकार हुआ है और ये बिल्कुल मतलब मैच्योर भी नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण इसमें इतनी भी ज्ञान नहीं है कि पुलिस की वर्दी क्या होती है, और इसे लेने के बाद अगर फर्जी तरीके से भी ले तो क्या होता है और इसके साथ क्या होगा, ये कुछ भी जानकारी इसको नहीं है और इसी के साथ जो है वो ठगी का शिकार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मनोज नाम के व्यक्ति ने इसको ठगी का जो है वो बिल्कुल तरीके से पूरी तरीके से जो है इसे ठग लिया गया है। उसे कहा गया कि 2,30,000 आप अगर मुझे दोगे तो मैं आपको बैठे बिठाए बिना पढ़ाई किए ही आईपीएस अधिकारी बना दूंगा। और यही हुआ उसके साथ, बेचारा जो है 2 लाख रुपए अपने मामा के से जाकर मांगता है और उसके मामा जो है उसे 2 लाख रुपए दे देते हैं कि बैठे बिठाए अगर मेरे भांजे को नौकरी मिल जाती है तो वो बहुत ज्यादा खुशी की बात होगी, और उन्होंने उसे 2 लाख रुपए दे देते हैं और 2 लाख रुपए वो मनोज को जाकर दे देता है, जिसके बाद जो है फर्जी वर्दी बैच और नकली पिस्तौल तक उसे वो दे देता है। उसके बाद जो है वो लड़का जो है उस वर्दी को पहनकर अपनी माँ से आशीर्वाद लेने के लिए जाता है। माँ बहुत ज्यादा खुश होती है कि मेरा बेटा जो है आईपीएस अधिकारी बन गया है, किसी भी माँ बाप के लिए बहुत खुशी की बात होगी, और वो आशीर्वाद लेता है। उसके बाद जो बचे हुए 30,000 रुपए थे वो भी उसको जो है अपनी किसी तरीके से कहीं से मांग कर 30,000 रुपए जब वो मनोज को देने जाता है उस वर्दी के साथ, तो वो पकड़ा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब वो पूरी वर्दी पहनकर और नकली पिस्तौल के साथ जाता है थाने में, तो मतलब किसी तरीके से पुलिस उसे पकड़ लेते हैं और जो है वो पकड़ा जाता है और कहता है कि मनोज नाम के एक व्यक्ति ने उसे कहा कि किस तरीके से आप अगर मुझे इतने पैसे दोगे तो मैं आपको बैठे बैठे आईपीएस अधिकारी बना दूंगा। और यही हुआ उसके साथ, वो ठगी का शिकार हो जाता है और पुलिस को सारी सच्चाई बताता है कि मैं किस तरीके से ठगी का शिकार हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता था, उसने पिस्तौल तक दे दी है और मैं इस वर्दी को पहनकर हर जगह घूम रहा हूँ। मतलब वो बंदा जो है हर जगह उस वर्दी को पहनकर घूम रहा है। तो मतलब बिहार में गाइस हम लोग मतलब देखते हैं कि बिहार में टैलेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन इस तरीके से ये खबर सुनने को मिलेगी ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि बिहार में किस तरीके से लोग ठगते भी हैं एक दूसरे को। तो बिल्कुल ये जो आप में अगर ज्ञान नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं है, तो कहीं पर भी ठगी का आप शिकार हो जाओगे। यही हुआ है मिथिलेश कुमार के साथ। मिथिलेश जो है वो ठगी का शिकार हो जाते हैं, पुलिस उसे पकड़ लेती है, क्योंकि देखिए पुलिस की वर्दी पहनना ये बहुत बड़ा जुर्म है और आप जो है आप अगर किसी तरीके से आपने ये वर्दी पहन ली है तो उसे तो वो सजा मिलेगी ही, लेकिन मिथिलेश कुमार के साथ साथ मनोज भी इसका पूरा जो है मनोज भी है, सबसे बड़ा गुनहगार मनोज है जो उसे पैसों की लालच देकर उसे आईपीएस अधिकारी बना रहा है। तो ये बहुत गलत बात है दोस्तों। तो इस तरीके से ठगी का शिकार बिल्कुल भी ना हो। आपको अगर कुछ करना है तो अपने दम पर अपनी मेहनत करके आगे बढ़िए, कभी भी किसी को किसी तरह का पैसा देकर पैसों के लालच में आकर कभी भी ऐसा कोई काम ना करे जिससे जो है आपके माँ बाप का नाम जो है वो आपके माँ बाप का सर जो है वो झुक जाए। तो इस तरीके से मनोज को और साथ ही साथ मिथिलेश को पुलिस पकड़ ली है, जो सजा मिलेगी उसे वो तो मिलेगी ही। आगे के लिए मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि आप इन सब चीजों से दूर रहें। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं अंत करते हैं, आगे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।